हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आपको मेरे चेहरे पे खुशी दिखाई नहीं दे रही होगी भाई। अपने साथ हो गया कांड, अपनी बलिनों का हो गया एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट यार बहुत मतलब दिल टूट गया मेरा। कश्मीर की ट्रिप में गए, वहाँ पूरा घूम के आए भाई। आपके भाई ने जरा सी भी गाड़ी कहीं से कहीं तक टच नहीं करी। लेकिन होती है ना, कभी कभी किस्मत खराब होती है, पर उस किस्मत का यार आप कुछ नहीं कर सकते। अपना घर पे आए, गाड़ी वॉश कराई, वॉश कराने के बाद खड़ी करी, पता नहीं किसी की नजर लगी या क्या हुआ, तो भाई गाड़ी का हो गया कल यार खेड़ा एक्सीडेंट। आपने डग्गा मार बस का नाम सुना होगा, जो लोकल बसेस होती है ना, जो आपकी इंटरसिटी कवर करती हैं। तो भाई दिखने में वो बिल्कुल रोडवेज बस की तरह होती हैं, तो उससे एक्सीडेंट हो गया था। और मैं अपनी यहाँ पे डैश कैम की क्लिप है ना, वो भी मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो भाई जा रहे थे हम लोग मोदिनपुर के आसपास कहीं जाके, क्या हुआ कि डग्गा मार बस जो है वो बिल्कुल बीचम बीच रुक गई। अब भाई बीचम बीच रुक गई, हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न बजाने के बाद वो हटा ही नहीं रहा यार। इन लोगों को आप कितना ही कर लो, कुछ चीजें मैं बताता हूँ आपको। देखो हर तरह के लोग देखेंगे वीडियो को, ठीक है। और भाई अगर ये बस वाले और ऑटो रिक्शा वाले भी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो भैया अपने आप को सुधार लो। बीच में ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, बस वाले भाई बीच में अपने बाप की सड़क समझते हैं, कहीं भी रोक के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। आप हॉर्न बजाते रहो सवारी के चक्कर में, ये नहीं कि प्रॉपर साइड में खड़ी करें और उसके बाद उस गाड़ी को अपना पीछे वाली को स्पेस दें, ऐसा नहीं होता यार। अपने बाप की सड़क समझ के भाई कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, आतंक मचा रखा है इन लोगों ने। तो भैया यही चीज़ है, यही चीज़ हमारे साथ हुई। गाड़ी के जस्ट मैं पीछे खड़ा हुआ था, बहुत देर से हॉर्न बजा रहा था। मैंने क्या करा, मैंने साइड से गाड़ी निकाल ली, क्योंकि जस्ट एक साइड से गाड़ी दूसरी निकल के गई थी। जो बस है ना, जैसे मैं निकाल रहा था तो कॉर्नर में जरा सी जगह थी कि बस आप बिल्कुल एंड टू एंड अपने मिरर्स में देख के काट लो गाड़ी को। अब देखो इतनी सी बात पे यार लड़ाई तो कर नहीं सकते, है ना। मतलब गुस्सा तो बहुत आता है, लड़ाई करने का मन भी करता है देखो, पर मुझे ये लगता है कि यार छुटर पुटर जो चीजें होती है ना, जो आपसे बिछ सके उन्हें बिछा लो, दुख तो बहुत होता है। तो भाई मैं गाड़ी निकाल रहा था और उसने जैसी बैक करी ना, उसकी पता नहीं कॉर्नर में कील निकली हुई थी, क्या निकली हुई थी यार, अपनी गाड़ी की जो शीट है ना वो पूरी फट गई। और लिटरली मेरा पूरा दिमाग कल का ऐसा दिमाग खराब रहा, मैं सोच रहा था कि ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट मैंने इस वीडियो को मैंने सोचा, मैं कहा चलो बनाता हूँ यार, है ना भाई। अपने भाइयों के साथ तो शेयर करें ना, अपनी बलिनों का जो हश्र हुआ है वो बताना और दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसी वजह से आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी वो क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगा भाई। ये देखो यार, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले पास से देखो कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है इसका। ये बम्पर वम्पर भी पूरा डैमेज हो गया इस पार्ट से आके, और यहाँ आके तो देखो यार चादर बिल्कुल ही फट गई यार। सोचो आप कितना दुख हो रहा होगा ना, ये वाला पार्ट है, ऊपर से हल्की सी यहाँ पे भी लगी हुई है। अब इतनी सी बात पे यार क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, अभी मैं सर्वेयर के पास गया था, वो बोल रहा है ये वाला पार्ट चेंज होगा, गेट तो यार पूरा चेंज हो गई होगा और बम्पर भी डैमेज्ड है, बम्पर पीछे से भी लगा हुआ है। तो अब आप खुद देखो यार, अरे वे सही है यार। तो यार ये है, लेकिन एक बात बोलूँगा मैं आप लोगों को, यहाँ पे मैंने डैश कैम लगवा रखा है यार, इसका बहुत फ़ायदा है, बहुत ही एक्सेस में फ़ायदा है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप देखना ज़रूर। अब इस तरह की चीज़ों में यार कितना मतलब दिल सा टूट जाता है यार, जब आपकी कोई जान से प्यारी चीज़ में इतनी चीज़ हो जाए। और ये तो भाई अपनी जान से प्यारी चीज़, अपनी धनो यार, इसको मतलब इतना दिल से लगा के रखते हैं, इतनी प्यार से चलाते हैं, इतनी लंबी लंबी ट्रिप कर ली हैं। लेकिन ये और लोगों की गलती की वजह से जब अपनी चीज़ों का नुकसान होता है ना, तो बस चलो यार मैं दे सोच रहा था ये चीज़ आपको दिखाऊँ, सर्वेयर के पास ले गया हूँ, सर्वेयर के पास गाड़ी को छोड़ के आऊँगा, और कम से कम बोल रहा है कि 15 से 20 दिन इसको ठीक होने में लग जाएंगे, क्योंकि पार्ट जो है ना इसके वो ऑर्डर होंगे, ऑर्डर होने के बाद ही आएंगे। तो भाई सबसे मेन ये वीडियो बनाने का कारण ये था कि इस तरह की अगर बस वाले, रिक्शा वाले या कोई भी देख रहे हो यार, अपने साथ साथ ना दूसरे का भी देखो भाई। बहुत बहुत गलत चीज़ है ये कि यार अपने फ़ायदे के चक्कर में, सवारी के चक्कर में यार दूसरों का नुकसान करते हो। बीच सड़क पर रोक के खड़ी करने का किसने राइट दिया है यार, ठीक है। तो चलो यार, अपनी गाड़ी का तो नुकसान हो गया, दुख बहुत हो रहा है, कल का दिन तो भाई पूरा ऐसे बीटी में गया है। और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अभी सर्वेयर के पास से भी आया था मैं, उसने बोला है 15-20 दिन। तो बस चलो जी, फिलहाल आप ये बताना कि जो सीरीज़ है कश्मीर वाली, वो आपने इन्जॉय करी या नहीं करी, कैसी लगी आप लोगों को,
और इस तरह की वीडियोज ही चाहते हो या डेली व्लॉगिंग चाहते हो, किस तरह की वीडियोज चाहते हो वो भी आप मुझे बताना। आपने देख लिया कैसे लगी है, 10 दिन हो गए हैं इसको, मैं पता करके भी आ गया था, फिर मैंने बाहर भी पता करा था कि बाहर रिपेयर करा लेता हूँ, लेकिन यार कंपनी का काम कंपनी का ही होता है, ऐसा कुछ दिमाग में सेट हो रहा है मेरे, तो इस चक्कर में अब जा रहा हूँ शोरूम पे फाइनली आज इसको छोड़ने, और देखता हूँ कितने दिन में मेरे पास ये वापस आएगी। दुख होएगा यार, 5-7 दिन गाड़ी अपने से दूर रहेगी और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर पार्ट ऑर्डर में लगा दिया तो लंबी खिंचेगी ही खिंचेगी। तो चलो यार करवाते हैं इसका सर्वे और फिर इसको छोड़ते हैं वहीं पे। भाई देखो ये है सारा डैमेज जिसपे लिखा है ना गाड़ी का नंबर 7008, ये बदलेगा ठीक है। ये पार्ट भाई रिपेयर करा लिया, काटने से कुछ फ़ायदा नहीं था इसका, और ये वाला गेट यार जो फट गया था ना ये रिपेयर होगा। और आज डेट हो गई है भाई लगभग, ये देख लो 29/6 है और आज आया हूँ मैं यहाँ पे, और अब आप लगा लो आइडिया 8 दिन से गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है और सिर्फ इस गेट की वजह से, क्योंकि ये बैक ऑर्डर में चला गया है, पेंडिंग पड़ा हुआ है यार काम। अब देखो बड़ी इनकन्वीनियंस उठानी पड़ रही है, पर क्या कर सकते हैं। चलो बाकी बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे इनके सर्विस सेंटर में, तो वेट करते हैं। 8 तारीख का इन्होंने टाइम दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि पहले मिल जाए, अगर पहले मिल जाती है तो बढ़िया है भाई, अपना फ़ायदा हो जाएगा, काम बहुत ज़्यादा वो हो रहा है इसकी वजह से, ना मैं दिल्ली आ पा रहा ना जा पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा मतलब यार। भाई आज 2 जुलाई हो गई है ठीक है, और अभी सिर्फ ना ये सामने आपके गेट रखा हुआ है, ये उतरा है इसका और नया गेट उतर गया, मतलब बेसिकली लग गया है। चलो ये अच्छी चीज़ हुई, पूरे आज 10 दिन हो गए हैं ठीक है, और यहाँ पे अब भाई पुट्टी वुट्टी भरने का काम हो रहा है, और ये भाई लोग सारे हैं बढ़िया नेचर है इन सब की, पुट्टी वुट्टी भर रहे हैं इसके अंदर। और ये गेट है अभी, इसकी भी थोड़ी सी ना मतलब इन्होंने चिकनाई विकनाई से क्लियर व्लियर किया था इसको, बट ठीक है। और ये बम्पर है इसका, ये भी अभी उतरेगा ठीक है, ये चेंज होना है इसका। चलो अपना ध्यान रखो आप सब लोग ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।